तो अभी हम जा रहे हैं राशन लेने। कहाँ, ये तो देखो पहले, वो देखो। और कीचड़ भी है, इसलिए बाइक अंदर नहीं लाया। देखो धान का खेत कितना बढ़िया लग रहा है ना। देखो चारों ओर खेत कितना अच्छा नज़ारा है ना। और इस टाइम ना ये ठंड का टाइम आ रहा है, इस टाइम धूप में जाने में मज़ा आता है। यहाँ से देखो पानी बह रहा है और पानी सूख गया, लगातार 3 दिन बारिश हुआ था ना, तो पानी यहाँ तक भरा हुआ था पूरा मेरे ख्याल से, क्योंकि कीचड़ देख के समझ में आ रहा था। और ये वाला घर है, और हमारे यहाँ पे धान देखो कितना ऊंचा ऊंचा होता है, देखो मेरे कमर से भी ऊंचा है पेड़, बहुत बढ़िया होता है हमारे धान। तो ये वाला है आंगनबाड़ी केंद्र। अंडा और ये खजूर, खजूर ले लिया है। बाद बाकी का राशन आजकल आ ही रहा है ना, 3-4 महीने से आ रहा है। हमें क्या पता, इन लोगों ने जो बताया वैसे तो मेरे ख्याल से एक दो महीना आता नहीं है। मुझे तो कम से कम प्रेग्नेंट होने से पहले ही मुझे राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत लोग तो बता रहे कि आ रहा है। अरे चलो हमें क्या है यार, हम क्या कर सकते हैं बताओ। और पता है छोटी मोटी चीजें के लिए ना कंप्लेन करना अच्छा नहीं लगता है, सही में है ना। मान लो एक दो अंडे के लिए, ठीक है, आधा किलो दाल के लिए कौन कंप्लेन करेगा। हाँ। लोग यही सोचते हैं तभी ये लोग आगे बढ़ते हैं। सब लोग यही सोचते हैं तभी जाके ये लोग ऐसा करने का मौका मिलता है इनको, और ऐसा करने वैसे देना नहीं चाहिए। मैं सोचती हूँ कि मैंने, मान लो, और मैंने कंप्लेन कर दिया तो हमारे लिए नहीं, कम से कम जितने लोग हैं सबके लिए अच्छा हो जाएगा जो एफोर्ड नहीं कर पाते। अब मान लो हमारे से आधा किलो इन लोगों ने खा लिया, अब हमारे यहाँ पे मान लो कि 200 लोग हैं, तो आधा आधा किलो सबका खाएंगे तो बताओ कितना खाएंगे, कितना हो जाता है। आधा आधा किलो मतलब पॉइंट है, 10 किलो 20 किलो तो 50-100 किलो। देखो कितना कीचड़ है, मैंने जूता पोंछ के लाया, धोया भी नहीं। और हमने देखो बाइक यहाँ पे खड़ा कर दिया, क्या जाता नहीं ना अंदर। तो हम आए हैं मायके में खाना खाने, तो घर पे ना काम चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं किया मैंने। अभी घर जाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, झाड़ू पोछा लगाऊंगी, पूजा तो मैंने कर दिया था। गोपी गई थी, काटा। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर में, माधव भी सो गया है देखो,
और उस वाले घर से लेके आए हैं। देखो ये नमकीन ने उड़ गया। एक भी काम नहीं हुआ, मैं सब खाऊंगी आराम से, टुकटक करूंगी। तो माधव के यहाँ पे मैंने सुला दिया है और अभी थोड़ा करूँगी मैं क्लीनिंग, क्योंकि क्लीनिंग काफ़ी किया नहीं है, मतलब दो दिन से मैंने क्लीनिंग नहीं किया है, दो दिन ही, एक दिन से नहीं किया है, क्योंकि मैं थी वाले घर में और हस्बैंड गए थे कहाँ पे, दिनेशपुर गए थे, तो इसलिए फिर क्लीनिंग हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है, मतलब अभी टाइम हो रहा है 2 और 2 बजे मैं घर पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि घर पर थोड़ा कहीं पे भी काम हो जाए ना, थोड़ा सा भी, मतलब बाहर ही हो जाए, घर से बाहर ही हो जाए ना, तो ऐसा लगता है कि पूरे घर में बवाल मच गया है। तो ऐसा बहुत, मतलब बहुत अजीब सा लगता है मुझे, जब घर पे कोई काम होता है ना तो ऐसा लगता है कि पूरा फैल गया है घर, चाहे वो मतलब घर के अंदर हो चाहे वो बाहर हो, सेम ही लगता है मुझे। और ये ना कुछ पूजा का सामान है, मतलब धान तो नहीं फेंक रही हूँ मैं, खोई है और केले का पत्ता है, तो वो ना बहते हुए पानी में फेंकना है, तो मैं पानी में, सामने पानी चल रहा है तो वहीं मैंने फेंक दिया है, तो वो ना चूहे खा जा रहे हैं, तो इसलिए उससे अच्छा ना मैं फेंक ही देती हूँ तो सही रहेगा। और यहाँ सामने भी मैंने पोछा नहीं लगाया था, तो कोई ना। और मैं कुछ दिन के बाद से, मतलब मैं एक मेड रख रही हूँ, तो एक दीदी आएगी काम करने के लिए, सुबह का काम करके जाएगी, झाड़ू पोछा और बर्तन, पूजा का बर्तन, काफ़ी कुछ करके जाएगी, दीदी ने बोला है मुझे। देखो अभी ना मुझे, मेरा भी बहुत सारा काम रहता है, तो उनको भी टाइम टू टाइम करना होता है, और माधव को लेके ना अकेले होता नहीं है, क्योंकि फिर टाइम टू टाइम ना खाना पीना भी नहीं होता है, अपने ऊपर ना टाइम भी नहीं दे पाती हूँ मैं, इसलिए काफ़ी ना कमज़ोर हो गई हूँ मैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला एक जो दीदी है उसको रखी लो यार, खाली खाली ना 2-3 महीने कर लेगी, उसके बाद जब आप पूरी तरीके से रिकवर हो जाओगी उसके बाद छुड़वा देना। तो मैंने बोला ठीक है कोई ना, ज़िंदगी भर थोड़ी ना रखना है, थोड़ा सा थोड़े 1-8 महीने के लिए रखूँगी, मतलब ये ठंड तक तो रखूँगी, क्योंकि सुबह ना मेरे को उठते ही सबसे पहले अपना लंच बना लेना है, क्योंकि ठंड के टाइम ना देखते देखते ही शाम हो जाती है। काम हो चुका है और अभी इस ब्लॉग यहीं कर देते हैं। आप सबको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी मैं फटाफट ना लेबर मिस्त्री लोगों को चाय बना के देती हूँ, तो चलो मैं फटाफट से चाय बना लेते हैं, इसके बाद आपसे बात करेंगे थोड़ी नेक्स्ट ब्लॉग में।